नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों से करते हैं जो कि आज अच्छे दिख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, सेंसेक्स निफ्टी हरे निशान के साथ करीब 200 अंकों की बढ़त दिखाकर 8495 के लेवल्स पर 8500 के बिल्कुल करीब यहां पर ट्रेड करते हुए। तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपको दिखा देते हैं, बढ़त के साथ ट्रेड करीब 164 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं कॉस्पी भी देखिए हरे निशान के साथ और हांगकांग के बाजार करीब 450 अंकों की बढ़त फिलहाल दिखा रहे हैं। अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग की अगर बात करें, अच्छी खासी तेजी कल वहां पर भी देखने को मिली। डाउ जोन्स अब देखिए करीब 700 अंक की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखा। वहीं S&P 500 और नैसडैक में भी अच्छी खासी तेजी के साथ ही क्लोजिंग हमने देखी। इसके अलावा फ्यूचर्स की अगर बात करें, वहां पर भी अच्छी खासी बढ़त के साथ ही हम देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स करीब 130 अंकों की तेजी यहां पर। और आप देखिए, दुनिया भर के बाजार में फिलहाल रौनक लौटती हुई, लेकिन कोरोना वायरस की चिंताएं अब भी बरकरार है। विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, और साथ ही कोरोना के लेटेस्ट अपडेट्स एक बार समझ लेते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार आज यहां पर तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, यहां पर दो चीजें हैं जिस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक तो जो ग्लोबली मार्केट्स हैं वहां पर एक रिबाउंड जो सेंटिमेंट है वो चल ही रहा है। शुक्रवार को थोड़ी गिरावट थी, बट उसके बाद सेंटिमेंट में वापस सुधार हुआ है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो चाइना से डेटा आया है, चाइना का जो मार्च का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आया है वो 52 पर आया है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी अगर 50 के ऊपर आए तो अच्छा माना जाता है। इस समय अगर 52 पर आया है, यानी कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर है। जो ये PMI आया है ये 52 पर आया है, इसका अनुमान 45 था, तो आप अनुमान से देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। और पिछले महीने ये 35 आया था, जो कि अब तक का रिकॉर्ड लो है। वहाँ से फिर अगर बढ़कर 52 हो गया है तो ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि सारे एशिया बाजार में आपको तेजी दिख रही है। इससे एक संकेत, जो बड़ा संकेत आ रहा है, वो ये है कि जब भी कोरोना की परेशानी खत्म होगी, जैसे कि हम देख रहे हैं चीन में लगभग परेशानी खत्म हो गई है, तब जो इकोनॉमिक रिबाउंड आएगा वो काफ़ी मजबूत रहेगा। और ये चीन का जो एग्जाम्पल है, इसकी वजह से बाजारों में थोड़ी तेजी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में अच्छा रिबाउंड रहा, डाउ में लगभग 700 अंक की तेजी थी। ज़्यादातर अमेरिकी बाजार लगभग 3 से 3.5% ऊपर रहे, तो वो एक अच्छा संकेत है। हेल्थ केयर स्टॉक्स में एक बड़ा उछाल आपने देखा, और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हैं वो 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिए गए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहली जून तक सब नॉर्मल हो जाना चाहिए, हालांकि वो होगा कि नहीं देखना पड़ेगा, बट थोड़ा वहां पर सेंटिमेंट सुधरा हुआ है और ये बाजारों पर उसकी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार भी मजबूत रहे, पर यूरोप में जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो अब तक का सबसे लोएस्ट, यानी कि इतिहास का सबसे लोएस्ट इकोनॉमिक सेंटिमेंट इस समय आपको यूरोप में देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद आपने थोड़ी तेजी देखी, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है। कच्चे तेल यहाँ पर अभी भी दबाव है, कल हमने देखा 6% की गिरावट रही, इस समय दायरे में ही है, लगभग $22-23 के आसपास ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर ज़्यादा बदलाव आपको नहीं देखने को मिला है। 18 साल के निचले स्तर के आसपास ही वो दिखेगा। पर हाँ, जो चीन से डेटा आया है और जो अमेरिका में सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट ज़्यादातर पॉजिटिव हैं इस समय। बिल्कुल, और दीपांशु, ये सब विदेशी बाजार के संकेत तो हम पॉजिटिव जरूर देख रहे हैं, लेकिन कोरोना से जुड़ी चिंताएं अब भी बरकरार है। दुनिया भर में स्थिति कितनी नाजुक है? लगभग वैसी है जैसे कल हम बात कर रहे थे। 60,000 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटों में, लगभग 3,700 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। अब कुल प्रभावित लोगों का आंकड़ा 7,85,000 पर है, और मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लगभग अब 38,000 पहुंचने वाली है, तो वहां से चिंताएं जरूर बनी हुई हैं। अमेरिका में अब 1,63,000 मामले हैं, यानी कि चीन के डबल, जितने चीन के मामले हैं उससे डबल अब अमेरिका में आपको मामले दिखेंगे। लगभग 20,000 नए मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में सामने, और मरने वालों की संख्या भी जो है अमेरिका में अब वो चीन के पार जा चुकी है। तो दोनों ही तरफ से आप देखें तो अमेरिका में टेंशन तो इस समय काफ़ी है। इटली में अब 1,00,000 से ज़्यादा मामले हैं, और सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या यहीं पर है, 11,500 के ऊपर है, बल्कि अब 11,600 के पास आती हुई दिख रही है। स्पेन में भी चिंताएँ बढ़ रही हैं, स्पेन में पिछले 24 घंटों में 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो एक बहुत बड़ा आपने वहाँ पर भी देखा है। यही नहीं, भारत के लिए कल अब तक का सबसे बुरा दिन रहा जहां तक कोरोना का सवाल है। 200 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 16 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। अब भारत में कुल मामले 1,350 पर हैं और अब 43 लोगों की मौत हो चुकी है, तो भारत से भी संकेत उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कोरोना की वजह से जो चिंताएं हैं वो जरूर इस समय हावी हैं, कहीं पर भी ऐसे बड़े रिलीफ के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। एक अगर आप डेटा देखना चाहें तो कल इटली में लगभग 4,500 नए मामले आए, जो कि पिछले 2 हफ्तों में नए मामलों के लिहाज से सबसे कम रहा, क्योंकि हम डेली एवरेज देख रहे थे 5 से 5,500 है, तो उस
लिहाज से 4,500 मामले सामने आए, तो वो शायद एक अच्छा संकेत है, पर वैसे अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो अभी भी काफी परेशानी है कोरोना को लेकर। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अमेरिका तो कोरोना वायरस के कहर से जूझ ही रहा है, लेकिन भारत के लिए भी कल का दिन जो है वो सबसे खराब देखने को मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIs DIIs का एक्शन एक बार देखते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी आपके लिए सामने रखेंगे। सबसे पहले आप देखिए कैश मार्केट में FIIs 4,364 करोड़ की बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं कैश मार्केट में DIIs की तरफ से 3,550 करोड़ की खरीदारी है। वहीं वायदा बाजार में 1,554 करोड़ की खरीदारी FIIs की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो कैश मार्केट में FIIs की बिकवाली, वायदा बाजार में खरीदारी देखने को मिल रही है। अब रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग। ग्लोबल बाजार के संकेत तो आज अच्छे हैं, लेकिन दुनिया भर में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में किस तरह की रणनीति आज के लिए, क्या ये जो ग्लोबल बाजार के अच्छे संकेत हैं भारतीय बाजार को सपोर्ट देंगे? अनिल जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए शायद हम अनिल सर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच आपको एक बार विदेशी बाजार भी दिखा देते हैं, और सेंसेक्स निफ्टी आप देखिए करीब 200 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं, करीब 8,500 के लेवल्स के करीब ट्रेड देखने को मिल रहा है। तमाम एशियाई बाजार अभी भी तेजी के साथ ही ट्रेड करते हुए। खबरों के चलते कहां पर एक्शन है ये एक बार समझ लेते हैं। बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत आज के ट्रिगर से कर लेते हैं। आज वित्त मंत्रालय और RBI की बैठक होगी, जिसमें कि कर्ज जुटाने की योजना को लेकर चर्चा की जा सकती है। और माना जा रहा है कि जो सरकार है वो अपना ये जो पूरा प्रोग्राम है वो प्रीपोन कर सकती है कोरोना वायरस की चिंताओं को देखते हुए। इसके अलावा मिंडा इंडस्ट्रीज की भी आज बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि राइट्स इशू और QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स पर नजर डाले तो हीरो मोटो पर नजर रखिए, कंपनी ने काफी सारे बड़े ऐलान किए हैं। पहला तो ये कि कोरोना आपदा के लिए करीब 100 करोड़ के डोनेशन का ऐलान किया। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में उन्होंने 2-व्हीलर को एज एन एम्बुलेंस के तरीके से उपयोग करने के लिए उन्होंने दे दिया है। हॉस्पिटल को 100 वेंटिलेटर्स और मास्क भी देंगे, इस तरह की घोषणा हुई है हीरो मोटो कॉर्प की तरफ से। इंडसइंड बैंक, यहाँ पर एनालिस्ट मीट हुई थी, जिसमें कि कुछ वित्त हालात को लेकर इंडसइंड बैंक ने कुछ जानकारी दी है, जिसमें कि उनका कहना है कि आने वाले समय में उनकी जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ सकती है। मार्च तिमाही में डिपॉजिट में कमी देखने को मिल सकती है, 10-15% कुछ अकाउंट्स में इनके डिफॉल्ट भी देखने को मिल सकता है। और अगर स्थिति में सुधार होगा तो सबसे पहले जो इनका कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भारतीय एयरटेल, यहां पर भी कंपनी ने कुछ घोषणा की है। प्रीपेड प्लान की वैधता जो है वो 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है, और 10 रुपए का टॉक टाइम ही प्रीपेड यूजर को दे दिया है अगर वो रिचार्ज नहीं कर पाते तो। लेकिन ये जो नया योजना लेकर आई है वो सिर्फ लो इनकम ग्राहकों को ही ये सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थ केयर, इकरा ने कंपनी की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ा दी है और BBB+ से बढ़ाकर A- कर दी है। SBI पर भी नजर रखिए, सुजलॉन के जो लोन रिकास्ट की जो योजना थी उसको अब तमाम लेंडर्स ने मंजूरी दे दी। हम आपको बता दें कि सुजलॉन का करीब 14,000 करोड़ का एक्सपोजर है तमाम लेंडर्स का, तो आज SBI भी फोकस में रहेगा। स्पाइसजेट पर भी नजर रखिए, HDFC ट्रस्टी की तरफ से लगातार कुछ खरीदारी हो रही है और ओपन मार्केट के जरिए कंपनी ने जो हिस्सेदारी है वो 5.45% हिस्सेदारी स्पाइसजेट में खरीद ली है। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि ओयो जिंजर और लेमन ट्री जैसे होटल्स के साथ कंपनी ने करार कर लिया है और 5,000 आइसोलेशन रूम यहां पर बनाने की योजना है, तो अपोलो हॉस्पिटल पर भी नजर रखिए। कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। भारतीय एयरटेल, ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड ने 7 लाख शेयर्स कंपनी के खरीदे हैं 449 रुपए प्रति शेयर पर, और उसके सामने मेरिल लिंच ने 7 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। इसके अलावा जस्ट डायल में भी एक फंड एक्शन हुआ है। आदित्य बिरला सनलाइफ ने 0.66% हिस्सेदारी खरीदी और अब जो हिस्सेदारी थी वो 4.56% से बढ़ाकर 5.23% कर दी है, तो आज जस्ट डायल भी इस खबर के चलते फोकस में रहेगा। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आज की पहली रणनीति समझ लेते हैं। अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत तो अच्छे हैं, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़े मामले अब भी बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका और साथ ही भारत के लिए
कल का दिन काफी खराब रहा, कैसे समझे इन तमाम संकेतों को? दुनिया भर के बाजारों में जो मजबूती है उसकी रिकवरी का थोड़ा फायदा भारतीय बाजारों को मिलेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कितना टिक पाएंगे ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मेरा ये मानना है 8,550 8,650 वो रेंज है, उसके आसपास जाकर बाजारों में ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो असली मजबूती अगर आप मानकर चलना चाहें तो 8,500 के ऊपर ही बनेगी, उसके 8,650 के ऊपर ही बनेगी, उसके नीचे नहीं। तो यानी कि यहाँ से भी आपको कम से कम 300-400 पॉइंट और बढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप सोचेंगे कि आप मजबूत है। तो 8,550 ये मैक्सिमम अपसाइड की रेंज फिलहाल नजर आ रही है। निचले स्तरों पर 7,800 से 8,000 की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है, वो आसानी से नहीं टूटेगा। तो उस रेंज पर आते ही बाजारों में आपको खरीदारी भी फिर से लौटती हुई दिखेगी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो बड़ी रेंज बाजार की बन रही है वो ये बन रही है कि नीचे 7,800 8,000 मजबूत सपोर्ट जो है, ऊपर 9,000 9,200 वो रेंज है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना पूरी पूरी बनती है। तो इस रेंज में आपको ट्रेड करना है, और इस रेंज के अंदर छोटी छोटी रेंज आप अलग से बना सकते हैं, वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आज गैप से खुलने के बाद रेंज के ऊपरी स्तरों की तरफ बाजार बढ़े तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली करनी चाहिए, निचले स्तरों पर आए तो फिर से शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऊपरी स्तरों पर दबाव बैंक निफ्टी में भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे आप बढ़ेंगे 19,000 19,300 वो रेंज है जिसके पार जाना काफी मुश्किल है, वहां पर आती है आपको 19,300 से 19,600 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी, और नीचे 18,000 18,300 के आसपास की रेंज है जो थोड़ा सपोर्ट का काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर यह है कि ग्लोबल मार्केट्स की रिकवरी आपको थोड़ा सा सपोर्ट देगी, लेकिन कोरोना की खबरें एफआईएस की बिकवाली ऊपरी स्तरों पर टिकने नहीं देगी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह पहली रणनीति जिसे मानकर आपको चलना है। हायर जोन्स की अगर बात करें 8,650 से 8,950 के ऊपरी स्तर को याद रखिएगा यहाँ पर निफ्टी के लिए, वहीं नीचे की रेंज 7,800 से 8,000 की रहेगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें 18,000 से 18,300 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं ऊपरी रेंज 19,300 से 19,600 की है। इसे पहली रणनीति के तौर पर आप मानकर चले। चलिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स अभी आपके सामने रख देते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से कॉल आई है। एक्सिस बैंक पर खरीदारी की राय आती हुई यहाँ पर देखने को मिल रही है आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से। स्टॉप लॉस 355 का और टारगेट यहाँ पर आपको मानकर चलना है 390 के। एक्सिस बैंक में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। इसके अलावा टाइटन पर भी एक कॉल है, यहाँ पर भी खरीदारी की जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर 970 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा, 905 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी ही कीजिएगा। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी टाइटन पर एक कॉल आई है, फ्यूचर्स पर खरीदारी की राय ये दे रहे हैं। यहाँ पर टारगेट आप देखिए 982.40 रुपये का पहला लक्ष्य, 1,001.85 रुपये का दूसरा लक्ष्य, इसे मानकर चले। दो टारगेट्स आपके सामने हैं, 912 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और यहाँ पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। तो दो कॉल्स आपके सामने हैं और दोनों ही खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही हैं। लेकिन बाजार में कहाँ हो सकती है आपकी कमाई, इस पर अब आगे और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश बंसल। राकेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आज के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी, मार्केट्स तो काफी वोलेटाइल है। आप इंट्राडे में देखें तो मार्केट के अंदर 200-250 पॉइंट की मूवमेंट निफ्टी दिखाता है, डाउ जोन्स 600-700 पॉइंट ऊपर नीचे होने का दमखम रखता है, मार्केट एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। एज ऑफ नाउ निफ्टी में देखें तो 80-100 एक अच्छा सपोर्ट है, 80-100 के लेवल्स अगर टूटते हैं तब एक गिरावट देखने को मिलेगी, एल्स ऊपर में 8700 एक रेजिस्टेंस है। सिमिलर चीज बैंक निफ्टी के लिए है, 18,200 एक अहम सपोर्ट है और साथ में ऊपर में 19,750 के जो स्तर हैं वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा कोई स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आज बाजार के लिए आप जो देख रहे हैं? देखिए मानसी, मेरा का मानना है केमिकल्स में कंपनी है एक्जो नोबल काफी बढ़िया लगती है, पेंट्स में भी है, गिरते क्रूड का एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदने की राय है, 2028 का स्टॉप लॉस है, 2325 के टारगेट है। एंड मानसी अगर मार्केट सपोज बॉटम लगा चुका है, नोबडी नोज बॉटम लग चुका है, अगर हम 7800 के अराउंड बॉटम लगा चुके हैं और मार्केट यहां पे बेस बना के चलता है तो गोइंग अहेड ये स्टॉक एक्जो नोबल गोइंग अहेड एक मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का दमखम रखता है।
तो इस पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल राकेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक कॉल राकेश जी की तरफ से एक्जो नोबल पर, यहाँ पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 2325 के लक्ष्य को जरूर ध्यान में रखिए, 2028 के स्टॉप लॉस के साथ। आप देखिए यहाँ पर फंडामेंटल्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आपको विदेशी बाजार के संकेत बता देते हैं। अमेरिकी बाजार की कल की क्लोजिंग अच्छी रही और एशियाई बाजार की आज की शुरुआत जो है वो भी अच्छी होती हुई देखी है। खासतौर से इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिसके बल पर हम देख रहे हैं कि तमाम विदेशी बाजार जो है बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। अब ये बढ़त भारतीय बाजार के लिए कितनी प्रॉफिटेबल होती है ये देखना काफी जरूरी है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार के लिए आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया। अजय जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बुलियन मार्केट पर ही जायजा लेंगे। हम देख रहे हैं कि गोल्ड में चमक अब भी कायम है, हालांकि सिल्वर जो है बुरी तरह से टूटती हुई दिख रही है। गुड मॉर्निंग मान जी, डेफिनेटली देखा जाए तो जैसे जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं एक सेफ हेवन बाइंग को इनवाइट करता है, तो हम जनरली देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेज रहते हैं। कल के सेशन में हमने नो डाउट चांदी में काफी बड़ी गिरावट देखी, बट चांदी इस वक्त बेस मेटल को टैप करके हुए चल रही है। पिछले 15 दिन में देखे तो काफी बड़ा वॉलेटिलिटी हमने चांदी में आते हुए देखा, एक ही दिन में 16% टूटते हुए भी देखा तो रिकवर होते हुए देखा। टाइमिंग मुझे लगता है चांदी एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है $14 पे, और मुझे लगता है आज के सेशन में जिस दिन से बेस मेटल उछले हैं चांदी को भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए थोड़े से ड्रॉप पे 39,700 पे हमें चांदी बाय करना चाहिए। 40,000 से 40,300 तक के लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, तो क्लियरली यहाँ पर बुलियन मार्केट में चांदी पर खरीदारी की राय है, अच्छा मौका है, यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। टारगेट्स आपके सामने है 40,100 पहला टारगेट, वहीं 40,300 का दूसरा टारगेट मानकर चले। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूले, इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन अजय जी साथ ही जैसे कि कोरोना वायरस के चलते हम देख रहे हैं दुनिया भर में कहर का माहौल है ही, आंकड़े भी बढ़ते हुए जरूर देखने को मिल रहे, खासतौर से अमेरिका और साथ ही भारत के लिए कल का दिन काफी खराब देखने को मिला है। इन सब के चलते सुरक्षित निवेश के तौर पर आगे जाकर बुलियन मार्केट को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जिस दिन से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है जनरली देखा जाता कभी भी सेफ हेवन के लिए गोल्ड और सिल्वर चलते हैं। बीच में हमने देखा था कि मार्जिन कॉल के चलते दोनों में ही हमने भारी गिरावट देखी, बट अब जो मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो 2008-09 के सिमिलर पैटर्न बना हुआ है, तो टाइमिंग हो सकता है जिस दिन से इक्विटी में एक वॉलिटिलिटी के साथ गिरावट है थोड़ा बहुत प्रेशर हो सकता है, बट कभी भी ये साल में मोस्ट प्रॉब्ली तो मुझे लग रहा है मई ऑनवर्ड सोने और चांदी में एक बड़ी तेजी दिखा सकता है, जहां पे गोल्ड हमें लग रहा है कि नया हाई इंटरनेशनल में बनाते हुए दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट तो नए हाई पे ही चल रहा है, चांदी थोड़ा लैगिंग बिहाइंड रहेगी बिकॉज एक इंडस्ट्रियल डिमांड रहती, बट फिर भी हमें लगता है कि चांदी भी पीछे नहीं रहेगी। गोल्ड हम समझते हैं कि 2000 तक का भी लेवल 2020 में देखने मिल जाएगा। बिल्कुल अजय जी, एनर्जी पैक की बात करेंगे, 18 साल के निचले स्तर पर फिलहाल क्रूड में कामकाज हम देख रहे हैं। ब्रेंट 9% की गिरावट झेल चुका है और खास तौर से ग्लोबली जो डिमांड कंसर्न्स हैं उसकी वजह से गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। ऐसे लेवल्स को देखते हुए आप क्या रणनीति सुझाएंगे? क्रूड के लिए मुझे लगता है कि कोई भी रिलीफ नहीं है, जिस ढंग से हमने देखा कि प्राइस 18 साल के लो पे आ गए, एनर्जी डिमांड बिल्कुल भी नेग्लिजिबल रही है। नो डाउट चाइना से कुछ नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, चाइना पहले कोरोना वायरस का इम्पैक्ट था अब पहले ही रिकवर कर रहा है, बट जब तक हम यूएस और बाकी मेजर इकोनॉमीज नहीं निकलती हमें लगता है ट्रेंड डाउन रहेगा। अनलेस एंड अनटिल कोई प्रोडक्शन कट की अपडेट नहीं आती है प्राइजेस में मुझे लगता है गिरावट ही रहेगा। नो डाउट WTI अभी 20 के करीब चल रहा है, हो सकता है $18-18.5 और ब्रांड नीचे में $22 तक दिखा सकता है। टेम्पररी बीच बीच में मार्केट उछाल करने की कोशिश करेगा बट ये टेम्पररी बाउंस रहेगा। आज डोमेस्टिक मार्केट पे कल के ही लेवल वैलिड है जो 1640-1650 की रेंज में अगर मिले तो बेच के चलना है, नीचे में 1520 तक के भी लेवल हम क्रूड पे देख पाएंगे। ओके, तो क्लियरली बिकवाली की रणनीति 1690 के स्टॉप लॉस के साथ 1580 पहला टारगेट, 1520 तक के टारगेट जाते हुए दिख सकते हैं, 1640 के लेवल्स पर यहाँ पर बिकवाली कीजिएगा। लेकिन बेस मेटल्स की चाल भी आपसे समझना चाहेंगे अजय जी, जो उठा पटक हम देख रहे हैं उस उतार चढ़ाव को देखते हुए बेस मेटल्स पर आपकी रणनीति क्या होगी? मानसी मुझे लगता है बेस मेटल में चाइना सब बड़ा फैक्टर रहेगा। नो डाउट चाइना में हमने जो जनवरी फरवरी में एक वक्त देखा था उसके बाद अब चीजें रिकवर हो रही है। आज मैन्युफैक्चरिंग PMI और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े हैं जो काफी अच्छे आए हैं, जिसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आज हम बेस मेटल के प्राइजेस में देख सकते हैं। साथ में कॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए, तो आज कॉपर LME पे भी करीबन 0.2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक आज तेजी का रुख रहेगा। 370 के स्टॉप लॉस से बाय करके चलिए, 378 से 379 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ओके अजय जी, 72 पैसे की कमजोरी रुपए ने भी देखी है, क्विकली कॉल लेना चाहूंगी आपसे। रुपए में मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है, नो डाउट डॉलर में भी जो गिरावट है उसकी वजह से थोड़ा थमा हुआ है। आज के लिए 75-80 पे बाय करके चलना चाहिए, 76-30 तक के लेवल देख पाएंगे।
बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पाव ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जहां आपको मिलेंगे ट्रेडिंग के लिए 20 दमदार शेयर्स। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।